नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हलछट की पूजा के लिए पाटे पर मिट्टी के शेर और गाय कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक पाटा लेना है और इसे धोकर सुखाकर साफ कर लेना है। इसके बाद हमें साफ मिट्टी लेनी है, उसमें से कंकड़ हटाने के बाद उसमें पानी डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देना है। कुछ समय के बाद हमारी मिट्टी पानी को सोख चुकी होगी। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है और थोड़ा थोड़ा पानी और डालकर इसे अच्छे से सान लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाइएगा, जिससे आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो जाए। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई तो उससे कुछ भी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पूजा में बनने वाली सभी चीज़ें आसानी से तभी बन पाएंगी जब आप मिट्टी को ठीक तरीके से मिलाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सब इसी तरह से करिएगा। जिस प्रकार रोटी बनाने का आटा होता है, मिट्टी कुछ कुछ उसी तरह की दिखनी चाहिए। यदि आपकी मिट्टी गीली हो जाए तो उसमें और सूखी मिट्टी मिलाकर आप उसे सही कर सकते हैं, और अगर मिट्टी बहुत सूखी लगे तो उसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। अब हाथों को गीला करके आप जैसा चाहे वैसा इसे आकार दे सकते हैं। तो आइए, आज की पूजा के लिए हमें जो जो चीज़ें बनानी हैं वो बनाना हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हलछट की पूजा में हमें एक पहाड़ बनाना होता है, साथ ही एक शेर, एक गाय और सात बछिया और बछड़े बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पहाड़ बनाया है जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको सुंदर बनाने के लिए हमने इसके किनारे किनारे पर जौ भी लगाए हैं। यदि जौ ना हो तो आप गेहूं भी लगा सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप गाय और बछड़े बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। बस इसमें दो सींग और एक पूंछ बनाई है हमने, और आँखों की जगह पर जौ लगा दिए हैं। इस पूजा के लिए हमें एक गाय, छह बछिया और एक बछड़ा बनाना है, जो कि आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि शेर कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक लोई जैसी बना लेनी है और उसकी आगे की तरफ कुछ वीडियो में दिखाए गए तरीके से शेर के हाथ बना लेने हैं। सर के लिए हमने इसी मिट्टी से एक गोला बना लिया है और वो सर की जगह पर हम रख देंगे। इसी तरह हमें इसकी एक पूंछ भी बनानी है और पीछे के पैर भी लगा देने हैं। दोस्तों, शुरुआत में ये एकदम शेर जैसा नहीं लगेगा। सबसे पहले हमें इसका मुख्य ढांचा बनाकर तैयार करना है और फिर धीरे धीरे हाथों को गीला करके हम इसे शेर का आकार दे सकते हैं। अगर हाथ से आकार देने में आपको कोई समस्या हो तो आप किसी छोटी डंडी, माचिस की तीली आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह शेर का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। इससे पहले हम इसका सिर बनाएं, हम सीख लेते हैं कि हमें पाटे पर नांद कैसे बनानी है। गाय की नांद, जिसके सामने सभी गाय और बछिया हम रखेंगे, वो कुछ इस तरह से आप कोने पर बना सकते हैं। चुटकी में मिट्टी को लें और उसे दबा दबा कर अपने पाटे पर वीडियो में दिखाए गए तरीके से रखें। बाद में इस नांद में हम कुछ पत्तियां और अनाज भर देंगे और इसके सामने गाय बछड़ों को खड़ा कर देंगे। पाटे के ऊपर एक तरफ हमें बनानी है गाय की नांद
और बीच में ऊपर की तरफ हमें शेर को रखना है और शेर के सामने रखना है हमें पहाड़। उंगलियों को गीला कर आप मिट्टी को अच्छी तरह से आकार दे सकते हैं। शेर का शरीर बन जाने और पूंछ लग जाने के बाद अब हम इसका सर बनाएंगे। शेर का सर बनाने के लिए हमें मिट्टी की इस तरह से एक गोलाकृति बना लेनी है और उसे एक तरफ से थोड़ा दबाकर नुकीला बना देना है। शेर के कान बनाने के लिए हम इस तरह चुटकी से दबाकर शेर के कान बनाएंगे। इसके बाद उंगलियों को गीला करके हम शेर की आंखों वाली जगह पर थोड़ा सा दबाएंगे और इसी प्रकार शेर की आंखों की जगह और नाक बन जाएगी। फिर एक डंडी से शेर का मुंह बना देंगे। शेर के बालों की जगह पर भी हम जौ लगाएंगे। कुछ इस तरह से शेर का मुंह बनकर तैयार हो जाएगा। आँखों के लिए हमने दाल का प्रयोग किया है और बाल बनाने के लिए जौ लगाए हैं। मुंह को हमने एक डंडी की सहायता से दबाकर बनाया है। इसके बाद शेर के सर को हम इसके शरीर से जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए दोस्तों आप नीचे की तरफ एक डंडी को इस तरह से लगा दें और इस डंडी के ऊपर ही सर को रखें, नहीं तो वो फिसल कर गिर जाएगा। शेर की मूछें बनाने के लिए हमने पतली टहनियों का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों इस प्रकार हम अपने पाटे पर पहले पहाड़ को रखेंगे, उसके पीछे शेर को और एक कोने में नांद बनाएंगे। नांद को पत्तियों और अनाज से भर देंगे और इन नांद के सामने ही हम गाय बछड़ों को खड़ा करेंगे। अगर आपसे इस तरह का शेर ना बने तो आप आसानी से सिर्फ वीडियो में दिखाए गए इस तरीके से भी शेर बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से शेर का शरीर और इस प्रकार से इसका सर और एक पूंछ लगा देंगे और फिर बालों की जगह जौ लगा देंगे, जैसा वीडियो में हमने पहले दिखाया था। पाटे पर हमें कुछ इस प्रकार से सभी चीज़ों को रख देना है। एक गाय, छह बछिया और एक बछड़ा, इन्हें हमें नांद के सामने रखना है। तो दोस्तों इतना बनाने के बाद अगर आप चाहें तो किनारे किनारे पर पाटे पर एक बॉर्डर भी बना सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी कम हो तो आप बॉर्डर ना बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपने चैनल पंडिताइन चाची पर पूजा पाठ से संबंधित वीडियो डालते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।